अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जैसे आप देख रहे थे ब्लॉग्स। तो आज हम लोग, हमारा लास्ट डे था इराक में और अब हम लोग जा रहे हैं ईरान में। तो बीच में शूट नहीं कर पाया बिकॉज मोबाइल बंद हो चुका था। और तो अब आगे की वीडियो देख लें आप, पहले स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे लोग आते जा रहे हैं, हम भी आधे रास्ते पहुँच गए। मैं चले जा रहा हूँ बट मेरे हाथ में ये भारी भरकम सामान से मैं यहाँ वहाँ घूमे जा रहा हूँ और बॉर्डर आ चुकी है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोग ईरान होंगे। तो अभी पहुँच चुके हैं ईरान बॉर्डर पर, जो कि सामने नज़र आ रही है, और ईरान के अंदर का मंजर नजर आने लगा है। मेरे हाथ में से बैग गिरने वाली है बिकॉज ये दो दो बैग लेके घूम रहा हूँ। उधर लोग आ रहे हैं, आंटी से बैग भी खिंचाने जा रही है। मदद नहीं होगी बिकॉज मैं खुद मुश्किल में पड़ा हूँ। पिछते दब आते हुए बाहुबली की एंट्री लेते हुए सामने बॉर्डर, वजीर भाई सामने एक और आंटी जाते हुए, मेरे आगे पीछे आंटिया आंटिया है, इसीलिए कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। तो फाइनली अब ईरान बॉर्डर, इराक बॉर्डर क्रॉस हो चुकी है और अब हम लोग हैं ईरान में। पीछे व्यू देखिए, तो ये है व्यू। सज्जाद अंकल जाते हुए और ये हसनैन अंकल बड़ी मुशक्कतों के साथ। तो हम लोग बॉर्डर पे से अब बस में बैठ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं कुम की तरफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा चाय नाश्ता और खाना पीना करने, यहाँ पर थोड़ा रुके थे फ्रेश व्रेश होने। तो अब चलिए थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं और यहाँ पर चलो खाना खाते हैं। अभी हम रास्ते पे खाने रुके हैं, आधा रास्ता कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अभी खा के निकले ही थे और रास्ते में हमको दिखी बर्फ। तो देखिए क्या खूबसूरत मंजर था वो, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बर्फ जमी हुई है सामने। बर्फ के पहाड़ दूर होने के बाद ही हमें दूसरे पहाड़ देखने मिले हैं, जो कि ब्राउन और डार्क ब्राउन ब्लैक जैसे हैं। और क्या ही पता कितने पहाड़ चेंज होते जा रहे हैं धीरे धीरे बार बार। देखते हैं आगे और कौन से पहाड़ आते हैं। और अभी हमारा सफ़र थोड़ा सा और बाकी रहा है, तो अभी सफ़र को कंप्लीट करते हैं और बस फिर धीरे धीरे पहुँचते हैं कुम। तो फाइनली पहुँच चुके हैं ईरान में कुम में और अब आगे का देखिए। तो नाज़रीन अभी हम मौजूद हैं ईरान की सरजमीन पर। तो अभी अब होटल जा रहे हैं, सामान पीछे आ रहा है, सज्जाद अंकल आ गया ब्लॉगिंग, मैं पीछे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और पीछे पूरा ग्रुप चल रहा है, तो चलिए
तो बस अब होटल में जाएंगे, थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, खाना पीना खा के रात को फिर अब निकलेंगे भी फातिमा मासूम कुम के रोज़े पर। ज़्यारत करनी है, पास में ही है मज़ार बीवी फातिमा मासूम कुम, तो इंशाल्लाह रात को जाएंगे। तो बस आज के इस वाले ब्लॉग में इतना ही है। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए अस्सलाम वालेकुम।